इतना बड़ा पंचर हो गया था। कैसा टेस्ट लगा? मजा आ गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुस्वागत है माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग चल रहे हैं रानीखेत की तरफ बाइक राइड पे, तो ये बाइक राइड भी मजा आने वाला है। पिछला बाइक राइड आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें उसमें और बताएं, बहुत कम कमेंट आया है उसमें। तो आज का राइड देखते हैं कैसा होता है, आप लोग एंजॉय करेंगे हमारे साथ। और मेरे साथ आज दूसरे बाइक पे विजय भाई भी चल रहे हैं। हेलो गाइस, ये है मेरे विजय भाई। हम दोनों जा रहे हैं अलग अलग बाइक से और पूरा फुल मजा लेने वाले हैं आज बाइक राइड का। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अनमोल भाई के चैनल को। थैंक यू। तो हम आपको अब आगे का सफर दिखाते हैं। अभी हम आगे का सफर दिखाते हैं, किस तरह का पहाड़ पे, किस तरह के रोड होते हैं, कैसे होते हैं, और पूरा मजा लेने वाला है आज। पूरा दिन कल भी बाइक राइड हम लोगों का होने वाला है, तो चलते हैं गाइस। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना? हाँ, अभी टूरिस्ट का समय है ना यार। हाँ, टूरिस्ट का संडे है ना। हाँ, तो सैटरडे संडे तो ऐसे ही वीकेंड में बहुत ज्यादा होते हैं लोग। हाँ। बाकी ये रोड जो है ना रानीखेत वाला, इसका ड्राइव बहुत अच्छा है। जब आप गर्म पानी के पास से जब ऊपर निकलोगे ना, अच्छा, तो गर्म पानी से दो रोड जाती है। ओके। एक जाती है भतरोज खान के तरफ, ठीक है, और भतरोज खान चले जाओ या फिर चले जाओ आप लालघाट चले जाओ या फिर भतरोज खान चले जाओ। अच्छा। और एक दूसरा राइट हैंड साइड में जाता है जो अभी दिखेगा, हाँ, हाँ। तो वो रानीखेत जाती है। रानीखेत वाला पूरा रोड जो है वो यहाँ पे कुछ हो गया है शायद अनमोल भाई, बहुत जाम लगा हुआ है। तो लग रहा है यार। बस बहुत बढ़िया रोड है, बिल्कुल ये तो मक्खन जैसी रोड हो रही है। मक्खन जैसा रोड मिलेगा। अच्छा, कुछ काम चल रहा हो क्या पता? वो देखो नीम करौली बाबा का मंदिर इतना दूर है। आज हम अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे टाइम से मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पे। भाई रोहित भाई पीछे है। हाँ। लेकिन आगे जाम मिलेगा हमें। और ये देखो, सो फाइनली जाम से निकल चुके हैं। अरे भाई, आधे घंटे लगे जाम से निकलने के चक्कर में। हाँ यार, फिर से जाम मिल गया अनमोल भाई, फिर रुक गए हम। तो बहुत लंबा जाम है। हाँ, लेफ्ट साइड हमारा एक भाई जा रहा है। हाँ, रोहित भाई चला चला, वाओ, असली राइडर तो रोहित भाई है। रोहित भाई अब जाम खत्म हो गया। अरे काफी भीड़ है आज यार, बाबा का जलवा ही ऐसा है। हाँ यार। आप देख सकते हैं नीम करौली बाबा, जय नीम करौली बाबा की। और इसी रूम, अरे इसी जगह पे, एक तो यहाँ पे पत्थर गिरने का इलाका है ना, ये पत्थर गिरा था। अरे मेरी फट गई थी भाई, एक नंबर का गाड़ी को भीग के ले जाना वहाँ तक, क्योंकि दो चीज कुछ लगता ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ। आजा विजय भाई, पंचर हो गई आगे वाला व्हील। आजा आजा, चलो चलो ये घुमाए गए। अरे अंदर कर लेना, आजा। ये पकौड़ी के लिए सबसे फेमस है भाई। अच्छा, जगह मिल गया भाई। हाँ यार, बैठते मेरा यहाँ का पकौड़ी का जी, पकौड़ी फेमस हो गए थे। हाँ, यहाँ के पकौड़ी बहुत फेमस है। भाई चटनी और ले आओ थोड़ा सा, रूप में बात करता हूँ। कैसा टेस्ट लगा? मजा आ गया। चटनी अलग टाइप की है ना, मेन चटनी का ही तो मजा है यहाँ पे।
तो गाइस अभी हम रुके हुए थे रास्ते पे, तो अनमोल भाई ने बोला कि यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है और यहाँ के पकौड़े बहुत फेमस है। पकौड़े खिलाया ना मैं, कितना टेस्टी था यार। मजा आ गया। अभी अनमोल भाई हमारे जलेबी बनवा रहे हैं। जलेबी तो मेरा फेवरेट है, जानते हो यार। और भैया हमारे अनमोल भाई के कहने पे भैया हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे भैया बना रहे हैं फ्रेश जलेबी, गर्म गर्म वाले। बस भैया जलेबी छान दो आप। अनमोल भाई की तो बात है यार। अनमोल भाई का भाई कई बार यहाँ आके खा चुके हैं। अच्छा। जब भी इधर आते हैं तो यहाँ पे तो रुकना फिक्स है हम लोग। अच्छा। पकौड़ी खाना, चाय पीना। अच्छा। ओहो, पकौड़ी का टेस्ट तो पता नहीं, लेकिन उसके चटनी का टेस्ट, हाँ, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कोई बना ही नहीं सकता वैसे। रोहित भाई को कितना पसंद आया चटनी भाई? आ जा यार, तुम क्यों शर्मा रहे हो? आ जा। राइडर जो है वो पंचर हो गया है काफी, 1 किलोमीटर लगभग हमको पीछे आना पड़ा वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पंचर की शॉप नहीं है। देख लो भाई, ट्यूबलेस टायर में भी हम ट्यूब डलवा रहे हैं। कितना बड़ा पंचर हो गया था भाई। पंचर बनाने में मेरी फट गई, क्योंकि ट्यूबलेस टायर थी ये, पंचर हो गई। उन्होंने दो तीसरा पंचर डाला, फिर भी एयर निकल ही रहा था ट्यूब से। तो फिर इस ट्यूबलेस टायर में हमने एक्स्ट्रा ट्यूब डलवाया अलग से, फिर जा कर के ये पॉसिबल हो पाया। मिलना है और ये अल्मोड़ा सिटी सामने दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। क्या पुरन भाई, यहीं पे लगा दूं? प्रॉपर्टी यहाँ से थोड़ा सा वॉक पे बाइक जाएगी है। क्या पुरन भाई, बाइक नहीं जाएगी उधर? बाइक नहीं जाएगी? गिर गिर जाओगे, परसों ही गाय गिर गया उधर। चल आए थे वो फोटोग्राफर। अच्छा, उन्होंने हमारे पूरन भाई हैं ये, पता इनके बारे में बता रहे थे तुम्हें। अच्छा, जो ये हम इनको मैंने जानता था, पहली बार मिला, बट ये मुझे YouTube के थ्रू जानते थे, है ना। गाइस एक गांव में आए हम लोगों ने, पहाड़ के टॉप पे है, तो ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा 5-6 घरों का ये गाँव है। बाकी आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत से हिमालय दिख रहा होगा। विजय भाई उधर अल्मोड़ा कितना अच्छा दिख रहा था, बहुत बढ़िया दिख रहा था ना। तो क्या विचार है, सामने रुका जाए अल्मोड़ा व्यू लेने के लिए? गाइस टाइम बहुत हो गया यहाँ पे काम ख़त्म करते करते,
पता नहीं अंधेरा है, मेरा फेस दिख रहा है या नहीं। अब इस एरिया से मैं निकल करके मुझे मचखाली जाना होगा, वहाँ पर मैं स्टे कर पाएंगे क्योंकि वहीं पे होटल वगैरह मिलते हैं। इस गांव में तो होटल मिलने से रहा, तो चलते हैं। थोड़ा सा नाइट हो गया, जंगलों के अंदर से नाइट राइड हो जाए थोड़ा सा, इसका ही मज़ा अलग है। कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है, ये रेड सा दिख रहा है, हिमालय तो दिखेगा नहीं गोपड़ों में, बट हिमालय बहुत खूबसूरत दिख रहा है, पिंक पिंक सा। उतना ही देर में इतना क्लाइमेट चेंज हुआ है, इधर इतना ठंड है कि हालत खराब हो रही है, फिर भी चलाना पड़ रहा है यार। बस सारे शॉप खुले खुले मिल जाए यार, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा ये रात का। ठंडा में कहाँ रहेंगे, मुश्किल पड़ जाएंगे, क्या खाएंगे मुश्किल हो जाएगी। तो गाइस अब टाइम आ गया है सोने का, हम लोग जा रहे हैं, पहले खाना खा करके आएंगे, खाना खाने के बाद हम लोग सोने वाले हैं। ठीक है, सुबह उठेंगे। तो ये ब्लॉग आप लोग प्लीज देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कल मॉर्निंग में फिर नया ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपके साथ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय 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 बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, बाय, थैंक यू गाइस।